यूपी में टीईटी की परीक्षा के लिए लाखों छात्रों ने तैयारी की थी, लेकिन सभी के सपने और ख्वाहिशें धरी की धरी रह गईं। जब छात्र पेपर देने पहुंचे तो पता लगा कि पेपर रद्द हो गया है। अब 20 लाख छात्र और विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। और इधर एक बड़ी खबर इससे जुड़ी ये मिल रही है कि यूपी एसटीएफ ने अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम योगी आरोपियों पर एनएसए लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि योगी सरकार के दौरान यूपी में करीब दर्जन भर बार पर्चा लीक हो चुका है। तो सवाल यही है कि यूपी में आखिर कब तक इस तरह से पेपर लीक होते रहेंगे। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। तो हम अभ्यर्थियों का क्या होगा, हम तो इसीलिए परेशान, आखिर पेपर आउट कैसे हो गया। कौन सा यूपी का कौन सा पेपर, कौन सा एग्जाम होता है जो लीक ना हो? क्या सिस्टम है जो पेपर लीक हो रहे हैं? जिन लोगों ने ये शरारत की है उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। ये आंसू 20 लाख परीक्षार्थियों का दर्द है। पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। ये आंसू चकनाचूर हो चुके सपने की कहानी है। ये गुस्सा और नाराजगी भविष्य तबाह करने वाले सिस्टम के खिलाफ है। इतने दिनों के मेहनत के बाद अगर ये एग्जाम सक्सेसफुली हो जाता तो फिर हमें नेक्स्ट प्रायोरिटी के लिए चांस मिलता। लास्ट मोमेंट पे आके कह रहे हो कि भाई जिसने किया लीक उसके पास बहुत टाइम है, बट हम लोग के पास टाइम नहीं है ना। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। अब हम अभ्यर्थियों का क्या होगा? सबसे पहले परीक्षार्थियों के इस गम और गुस्से की वजह समझिए। पेपर लीक होने की आशंका पर यूपी टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा रद्द कर दी गई। जैसे ही ये खबर इन छात्रों को मिली सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सारी मेहनत पर पानी फिरता दिखने लगा। लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद और आगरा, हर तरफ पेपर देने आए छात्रों में नाराजगी दिखी। एग्जाम देने आए, सेंटर में बैठे, पेपर हाथ में दिया गया, फिर बता दिया गया कि पेपर लीक है, परीक्षा कैंसिल। और अब आक्रोशित विद्यार्थी जो बाहर खड़े विद्यालय के और सवाल कर रहे हैं प्रशासन से, जो उनकी मेहनत उनके समय को बर्बाद कर रहे हैं। परीक्षा देने आए छात्र बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे? हमारा एक सवाल यह है सरकार से, आपके माध्यम से, कि यूपीएसआई, पैट, ये सारे एग्जाम आउट हुए उनको कैंसिल क्यों नहीं किया? इसको एग्जाम क्यों कराया गया कैंसिल? क्योंकि सुपर टेट को ना देने की वजह से कराया गया। ये एक तरह से गेम है पूरी सरकार का, बच्चों साथ गलत कर रही है। पैसा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इतना हम लोग आज इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? छात्रों के इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स छानबीन में जुटी। 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से। सीएम योगी भी इस पूरे मामले पर सख्त हैं। पेपर लीक कराने वाले गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है, उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। योगी कड़ी कार्रवाई पर एनएसए लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले विपक्षी पार्टियों के हाथ में एक बड़ा मुद्दा लग गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने पेपर रद्द करने को लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। प्रियंका ने लिखा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही बीजेपी सरकार की पहचान बन चुकी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हर एग्जाम के पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। टीटी का पेपर होने वाला था, लीक हो गया। 21 लाख परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनके भविष्य अंधेरे में चला गया। ये लगातार भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लाख जो परीक्षार्थी है उनका भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। जो ये परीक्षा देते हैं ये कोई बहुत धनाढ्य परिवार के लोग नहीं होते, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो मेहनत करके अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने परिवार को ऊपर लाना चाहते हैं। उन लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार, उन लोगों के साथ इस तरह की घटना,
कौन जिम्मेवार है, ये घटना क्यों घटी, इसकी तुरंत उत्तर प्रदेश शासन विद इन 10 डेज इसकी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी रखे और तुरंत प्रभाव से ऐसी घटनाएं वापस ना हो, इसके लिए माकूल व्यवस्था करें। इस सियासत के बीच छात्रों के मन में सवाल है कि आखिर आगे परीक्षा कब होगी। इसका जवाब यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दिया। अगले एक महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा न तो कोई फीस देनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पेपर लीक कैसे हो गया? सख्त निगरानी को लेकर पहले इंतजाम क्यों नहीं किए गए? जिसकी गलती से पेपर लीक हुआ उसको कब सजा मिलेगी? 20 लाख छात्रों के सवाल का जवाब कौन देगा? तो यूपी में पेपर लीक को लेकर योगी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ओवैसी जैसे कुछ नेता हैं जो गलत तस्वीर के जरिए सियासत चमकाने में जुटे हुए हैं। यूपी के बलरामपुर में एक चुनावी सभा में ओवैसी ने TET परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन जिक्र कर गए एक गलत तस्वीर का। ये वही तस्वीर है जिसे यूपी पुलिस गलत बता चुकी है। आज टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट था, TET टेस्ट था, 18 लाख बच्चे और बच्चियां उस इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। एक रात पहले यानी कल रात अपने सेंटर पर जाकर गड़गड़ा की सर्दी में सेंटर के बाहर लेकर बैठे थे रात भर, मगर जब सुबह इम्तिहान हाल में गए तो मालूम हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में TET का पेपर लीक हो गया और वो बच्चे जो महीनों से तैयारी कर रहे थे गरीब परिवार के, उनसे कहा गया कि अब दोबारा आइंदा महीने इम्तिहान होगा। बीजेपी वालों, तुम एक इम्तिहान का पेपर नहीं बचा सकते तो उत्तर प्रदेश के गरीब को क्या बचाओगे? तो यूपी में पर्चा लीक होने के बाद विपक्ष के निशाने पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी पेपर लीक कराने वालों पर NSE भी लगा रहे हैं और विरोधियों पर चुनावी मंच से निशाना भी साध रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुपर एक्टिव है। मन से हर बात के पीछे समाजवादी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। रविवार को सीएम योगी तो थे देवरिया में, लेकिन लक्ष्य पूरे प्रदेश को सुनाने और समझाने का था कि योगी राज है तो सब चंगा से। दंगे पर नकेल कसने की उपलब्धि गिनाई तो साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साध दिया। 4.5 वर्ष में आपने प्रदेश के अंदर कोई दंगा देखा? आज प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता। माफिया, जो बड़े बड़े माफिया अपने को कहते थे, सत्ता के सरप्रस्त रहते थे, जिनकी जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करके और जिन्होंने व्यापारियों से फिरौती वसूल करके कूद धन संपदा अर्जित कर दी थी, आज जब उनकी इस अनैतिक और अवैध संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है तो भाइयों बहनों, कुछ दलों को बुरा लग रहा है। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये माफियाओं के हितेशी लोगों को फिर जनता क्यों समर्थन कर देती है? मतलब योगी हर मंच से यही समझा रहे हैं कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो कानून व्यवस्था ताक पर रख दी जाएगी। समाजवादी पार्टी लगातार बेरोजगारी को लेकर योगी सरकार पर निशाना साध रही है। देवरिया के मंच से योगी ने फिर बताया कि युवाओं के उत्थान का काम चल रहा है, रिजल्ट आने वाला है। एक तरफ विकास की सोच के साथ हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब को शौचालय मिले, हर गरीब को बिजली का कनेक्शन मिले, महिला सुरक्षा हो या महिला कल्याण, प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। साथ साथ युवाओं के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन भी सबको दिया। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहाँ पे? सभी लोगों ने, बहुत अच्छे हैं आप लोग।
अखिलेश यादव ने शनिवार को योगी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जेवर एयरपोर्ट भी बेचा जाएगा। देवरिया से योगी ने रविवार को पलटवार किया। ये जो एयरपोर्ट बन रहा है वो आपके लिए नहीं बन रहा है। एयरपोर्ट में आप हवाई जहाज में नहीं चल पाओगे, ये बना रहे हैं सरकारी पैसे से, और जब बनकर के तैयार हो जाएगा तो इसको भी बेच देंगे। ये बेचने के लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं, ये एयरपोर्ट इसलिए बना रहे हैं कल इनको बेचने का मौका मिल जाए। जब डबल इंजन की सरकार चलती है तो सरकारी संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता है। हमारा ये देवरिया और कुशीनगर कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन भाइयों बहनों, बसपा की सरकार के समय और सपा की सरकार के समय 21 चीनी मिलें बेची गई थी। यानी यहां के नौजवानों को बेरोजगार करने वाले, यहां के किसानों के पेट पर लात मारने वाले सपा बसपा के लोगों को कैसे यहां की जनता बर्दाश्त करती है। देवरिया में समाजवादी पार्टी पर निशाने के पीछे एक और कारण है जो बड़ा है और योगी आदित्यनाथ के लिए नाक का सवाल है। देवरिया की भाटपार रानी सीट पर अभी तक बीजेपी नहीं जीत पाई है। देवरिया जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। भाटपार रानी विधानसभा सीट पर पिछले 3 बार से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मोदी लहर में बीजेपी ने देवरिया की 7 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन भाटपार रानी SB के ही कब्जे में रही। इस बार भाटपार रानी में जीत के लिए ही योगी आदित्यनाथ ने बहरियार बघेल के रघुराज सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। रघुराज सिंह 1974 में भाटपार रानी से कांग्रेस के विधायक रहे थे। दरअसल भाटपार रानी में क्षेत्रियों के बहुल 3 गांव हैं जहां बीजेपी मजबूत है, लेकिन बाकी गांव में समाजवादी पार्टी मजबूत है। योगी की कोशिश इस बार देवरिया में 7 में से 7 सीटें जीतने की है, जबकि समाजवादी पार्टी देवरिया में बीजेपी के किले में सेंध लगाने की तैयारी में। ABP News, आपको रखे आगे।